तो आज हम डिविजुअलिटी रूल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को डिविजुअलिटी रूल जो भाजता का जांच है उसके बारे में बताएंगे। तो भाजता का जांच में सबसे पहले हम बताने जा रहे हैं जो दो से विभाजित संख्याओं के बारे में। जी, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जो डिविजुअलिटी रूल जानने से हम कोई भी संख्या को बिना मतलब कि उसको डिवाइड कर दे, हमें अनुमान लगा सकते हैं कि यह संख्या किससे विभाजित होगा। तो हम सबसे पहले दो से डिविजिबिलिटी रूल के बारे में पढ़ेंगे। दो से भाज के नियम कि दो से कोई भी संख्या भाज होने का क्या कंडीशन है, इसका क्या नियम है। तो दो से विभाजित होने का जो पहला कंडीशन है कि यदि दी गई संख्या के इकाई अंक के स्थान पर शून्य, इकाई अंक के स्थान पर शून्य या सम संख्या, और सम संख्या हम पढ़ चुके हैं पहले ही, सम संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो दो या दो के दो से डिविजिबिलिटी हो यानी दो के मल्टीपल में हो उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। तो दो से डिविजिबिलिटी रूल का नियम है कि यदि दी गई संख्या कोई भी संख्या हो, यदि दी गई संख्या संख्या के इकाई अंक स्थान पर के इकाई अंक के स्थान पर शून्य या सम संख्या हो उसे तो वह दो से क्या होगा, भाज होगा। कहने का मतलब कि संख्या कितना भी बड़ा क्यों न हो, यदि उसके इकाई स्थान पर दो शून्य हो या सम संख्या हो वह दो से पूर्ण रूप में विभाजित हो। जैसे उदाहरण में पहला उदाहरण देखते हैं, जैसे लिखते हैं 2, 4, 6, 2 यानी ये संख्या क्या है, सम संख्या है। इसका इकाई स्थान क्या है, सम संख्या है। यदि यहाँ पर 0 भी होगा 2, 4, 6, 0 तो ये भी डिविजिबिलिटी होगा किससे, 2 से, क्योंकि यहाँ पर जो इकाई स्थान है यहाँ पर क्या है, इकाई स्थान पर अंक शून्य है और इस इकाई स्थान पर क्या है, सम संख्या है। तो हम दो से डिविजिबिलिटी का रूल का नियम जानेंगे। अब हम अगला चलते हैं तीन से विभाज के नियम, जो हम बोलते हैं तीन से डिविजिबिलिटी के नियम। तो तीन से डिविजिबिलिटी के नियम बोलता है कि यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग, जो संख्या दी गया हुआ जैसे मान लिया जाए यही संख्या रहे, तो इसको इन सभी का योग, ये अंक, इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़ा का अंक, हजार का अंक, 10,000 जितना भी संख्या दिया हो उसका अंकों का योग यदि तीन से विभाजित है, यानी कहने का मतलब वह संख्या तीन से विभाजित है, यदि हम सभी अंकों का योग जब तीन से जब विभाजित होगा तो वह संख्या तीन से विभाजित होगा। यानी यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग क्या हो, योग तीन से विभाजित हो तो वह संख्या क्या हुआ, तीन से भाज होगी यानी डिविजिबल होगी। तो हम कोई संख्या लिए, जैसे लेते हैं 2, 4, 6, 3 तो इसका योग पहले करते हैं, 6, 3, 9, 9, 4, 13, 2, 15 यानी ये संख्या तीन से पूर्ण रूप में विभाजित है क्योंकि इसका योग, अंकों का योग कितना हुआ, 2+4+6+3, 6, 3, 9, 9, 4, 13, 2, 15 जो यह तीन से डिविजिबल है। तो यानी तीन से भाज के नियम के अनुसार यदि ये फुलफिल सेटिस्फाई कर रहा है तो ये डिविजिबल होगा तीन से। तो हम अगला अब चलते हैं जो है चार से भाज के नियम। तो चार से भाज के नियम बोलता है यदि दी गई संख्या की इकाई
कोई भी दिया हुआ संख्या की इकाई यदि क्या हुआ दी गई संख्या की इकाई, संख्या क्या हो इकाई स्थान, इकाई एवं दहाई के अंकों द्वारा, इस दोनों अंकों द्वारा बनी संख्या चार से क्या हो विभाजित है तो वह संख्या चार से विभाजित होगा। कहने का मतलब है कि चार से डिविजिबल के लिए जब संख्या कोई दिया हुआ रहे तो उसको जो इकाई और दहाई दोनों को जो संख्या है, दोनों जो संख्या है वह यदि चार से डिविजिबल है तो वह संख्या चार से पूरा संख्या डिविजिबल होगा। जैसे में हम लिए 2, 4, 6, 4, तो ये इकाई और दहाई, इकाई एवं दहाई के अंक कितना है 64। यदि यह चार से डिविजिबल है तो यह पूरा संख्या चार से क्या होगा डिविजिबल होगा, चार से डिविजिबल होगा, यही इसका नियम कहता है चार से डिविजिबल होने के लिए। अब अगला है 5 से, 5 से भाज के नियम बताता है, 5 से भाज के नियम है कि यदि दी गई संख्या, कोई संख्या दिया हुआ, यदि दी गई संख्या संख्या के इकाई स्थान, इकाई अंक के स्थान पर क्या हो स्थान पर शून्य 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 हो, या 5 हो, तो वह 5 से, तो वह किससे विभाजित होगा 5 से भाज्य होगा। यानी 5 से डिविजिबिलिटी रूल नियम कहता है कि यदि दी गई संख्या में इकाई अंक के स्थान पर शून्य हो या 5 हो, यानी 5, 4, 0, तो 5, 4, 0 इकाई के स्थान पर क्या हो 4 हो, नहीं शून्य हो, या तो 5 हो, तो 5, 5, 5, 5 ये भी 5 से डिविजिबल हो, या तो 2, 0, 0, 5 ये भी क्या हो 5 से डिविजिबल है, क्योंकि इकाई के स्थान पर या तो 0 या तो 5 हो। तो 5 से डिविजिबिलिटी का रूल का नियम हम जान गए। अब हम अगला जो है 4, जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।